तो गाइस पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने काफी तगड़ी फाइट करवाई थी डीमन वेदर वेदर स्टॉर्म और प्राइम स्केलेटन के बीच। तो गाइस फाइट तो बहुत ही मजेदार चल रही थी। बर्निंग गॉड जिले तो गाइस नंबर ही नहीं लगा था। क्यों भैया मैंने सही कहा ना? और बिल्कुल सही कहा मुन्ना, बर्निंग गॉड जिला तो टिक ही नहीं पा रहा था, उसको तो मैं अपना फेवरेट मान रहा था। तो गाइस बर्निंग गॉड जिला तो टिका ही नहीं, लेकिन गाइस अंत में हम लोग का जो विजेता था वो रहा डीमन वेदर जो कि सबसे जीत गया था और उस समय आप लोग का फेवरेट बन चुका था डीमन वेदर। ओए तो गाइस अब आगे की कहानी। तो हेलो गाइस, तो कैसे हो यार आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग एकदम बढ़िया से हो गए। तो गाइस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख कर तो जान ही गए होंगे कि आज की वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं। क्योंकि गाइस डीमन वेदर की फाइट के बाद आप लोगों ने तो कमेंट सेक्शन में एकदम से स्पैम ही कर दिया कि हीरो ब्रायन से फाइट करवाए उन सभी की, हीरो ब्रायन सभी जगह हीरो ब्रायन छा गया था। तो गाइस आज हम लोग हैं क्रिएटिव मोड में, वो भी एक विलेज में। टेंशन मत लो, ये विलेज एकदम भूतिया विलेज है तो हम लोग कोई टेंशन की बात ही नहीं है यार। और बिल्कुल सही कहा ना, हम लोग की वजह से पूरा विलेज ही बर्बाद हो जाता है। ओए तो इस बार प्यारा दोस्तों हम लोगों ने इस बार भूतिया विलेज चुना है। ओए तो गाइस आज की फाइट बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए गाइस अभी तक वीडियो पे लाइक ना मारा तो क्या कर रहे हो गाइस? जल्दी से वीडियो पे एक लाइक मार दो और चैनल पे नए हो तो उसको भी सब्सक्राइब मार दो। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ग्रे कलर का कर दो। ओए बचना नहीं चाहिए, तोड़ दो और फोड़ दो। ओए चलिए भैया आज तो बहुत लंबी लंबी फाइट करवानी है क्योंकि भैया हीरो ब्रायन भी किसी से कम नहीं है। ओए मुन्ना हीरो ब्रायन एक लीजेंड है ओए माइनक्राफ्ट का। हाँ भैया वो तो है यार। तो गाइस आज की जो फाइटें होंगी वो दो राउंड के बीच में होंगी, जिसमें गाइस पहले राउंड में ये क्या भैया? ओए मुन्ना जॉम्बी है। हाँ भैया चलिए ठीक है, मैं अपना कंटिन्यू करता हूँ, आप इनको संभालिएगा। ओए ये नमूने क्या करेंगे? ओए नमूनो कैसे हो आज, तुम सभी की बैंड बजेगी। ओए चल मुन्ना तो जो बता रहा था वही बता दे। ओए हाँ भैया भूल ही गया था। ओए जल्दी बताएगा। हाँ तो गाइस मैं बता रहा था आज की फाइट दो राउंड में होगी। पहले राउंड में हीरो ब्रायन से लड़ेंगे साइरन हेड, टाइटन जॉम्बी और जितने भी गॉडजिला है सब वो हीरो ब्रायन से लड़ेंगे, वो भी पहले राउंड में। अगर हीरो ब्रायन इन सभी से जीत जाता है तब वो राउंड टू में लड़ेगा डीमन वेदर वेदर स्टॉर्म और गाइस सपना जो प्राइम स्केलेटन उससे लड़ेगा हीरो ब्रायन। अगर लेकिन पहले राउंड को उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, देखते हैं भैया क्या होता है। ओए पता नहीं क्या होगा, चलो देखते हैं फाइट करवाएंगे तभी तो पता चलेगा। ओए बिल्ली निकल ले यहां से नहीं तो मारी जाएगी। ओए बहुत खतरनाक फाइट यहां पर होने वाली है। हाँ भैया यार मैं रिस्पॉन पॉइंट भी दूर सेट करता हूँ, नहीं तो भैया हम लोग भी मारे जाएंगे, पता नहीं कहाँ पे स्पॉन हो जाएंगे यार। ओए बात तो सही कही है, चल अब चलते हैं। ओए तो गाइस यहाँ पर है हीरो ब्रायन। तो गाइस इस चेस्ट में हीरो ब्रायन का स्कल कैद है और जैसे ही गाइस उसे बाहर निकालेंगे वैसे ही गाइस तबाही मच जाएगी। लेकिन उससे पहले गाइस हम लोग को सबसे पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। तो पहले मैं आपको हीरो ब्रायन का स्कल दिखाता हूँ, ये रहा भैया देखिए। ओए मुन्ना इसका स्कल भी बहुत डरावना लग रहा है। ओए ये क्या लीजेंड ऑफ माइनक्राफ्ट? हाँ भैया लीजेंड तो आई है यार माइनक्राफ्ट का, क्योंकि भैया वो हीरो ब्रायन है यार। ओए देखते हैं मुन्ना, क्या मुन्ना तुझे क्या लगता है ये हरा पाएगा कि नहीं? हे यार भैया वो लीजेंड है, उससे भैया कुछ भी वो कंट्रोल में कर सकता है, वो भैया आपको भी कंट्रोल में कर सकता है, सभी को कंट्रोल में कर सकता है। ओए मुन्ना मैंने सुना तो बहुत है हीरो ब्रायन के बारे में, बहुत ही पावरफुल है। ओए हाँ भैया वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए भैया यार सबसे पहले मैं टाइटन जॉम्बी को स्पॉन करता हूँ क्योंकि भैया उसे स्पॉन होने में टाइम लगता है। ओए बात तो सही कही, रुक जा मैं स्पॉन करता हूँ। ओए क्या था समान टाइटन जॉम्बी यही था ना? हाँ भैया यही था यार। रुक जाइए भैया मैं ही करता हूँ। ओए वो पहले छोटा रहेगा फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, इसीलिए अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। ओए ये क्या रात भी हो गई? हाँ भैया इसके आने पर रात हो जाती है। ओए ये देख कितना छोटा है, अभी तो झुका हुआ है। ओए ओए जल्दी से सीधा हो जा, ओए तेरी बैंड बजने वाली है। ओए हाँ भैया वो तो देखा जाएगा, क्या पता भैया हीरो ब्रायन की बैंड यही बजा दे और मुन्ना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ओए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका फेवरेट कौन है। ओए क्रीपर निकल ले, आज तुझे तोड़ ही देता हूँ, आज तो मैं क्रिएटिव मोड में हूँ। ओए हे भैया देखिए वो स्पॉन हो गए यार। और मुन्ना अभी कहाँ हुआ है ये देख, इसका सर अभी झुका हुआ है। ओए बहुत बढ़िया, ये ले मैं इनको नमूनों को स्पॉन कर देता हूँ। हे भैया यार ये क्या टिक पाएंगे? ओए मुन्ना टिकने के लिए नहीं मजे लेने के लिए। ओए देखते हैं हीरो ब्रायन के सामने ये कितने मिनट टिक पाते हैं। हे भैया मुझे तो लगता है ये टाइटन जॉम्बी भी नहीं टिक पाएगा, तो भैया इन नमूनों को क्या स्पॉन कर रहे हैं आप? ओए देख रहे देगा फाइट है मुन्ना मजा लेने दे। ओए भैया देख के टाइटन जॉम्बी तैयार हो चुका है। ओए मुन्ना मुझे भी पता है कहीं स्कूल नहीं जा रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। ओए ओए कहाँ तैयार हुआ है? हे भैया वो देखिए स्पॉन हो गया। ओए आ गया टाइटन जॉम्बी, बहुत बढ़िया, चल साइरन हेड को भी बुला ही देते हैं। हाँ भैया आप सबको बुला लीजिए, लेकिन भैया सबसे पहले हीरो ब्रायन को बुलाते हैं, देखते हैं। ओए ये क्या हवा में भाग गए मुन्ना ये तो, रुक जाइए भैया भाग के जाएगा कहाँ पर यार? ओए भगोड़े भाग कहाँ रहा है, रुक जा अभी। ओए ये क्या फिर से उड़ गए मुन्ना? हे भैया चलिए इसके पीछे चलकर हीरो ब्रायन को स्पॉन कीजिए यार।
और रुक जा, कर रहा हूँ थोड़ा पास तो जाने दे, तो मजा कैसे आएगी। और रुक जा, ये ले ए, यार भैया ये क्या हो गया? और ये क्या हीरो ब्राइन के आते हमें क्या हो रहा है? हम तो क्रिएटिव मोड में है ना। ए भैया मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा भैया। और चक्कर तो मुझे भी आ रहा है, ये क्या हीरो ब्राइन आ गया क्या? और ये क्या मुन्ना टाइटन जॉमी मर गया? हे भैया ये क्या यार, इसके आते ही टाइटन जॉमी मर गया। और ये ले रिवेंजर कुमार, ये क्या मार ही दिया। और ये क्या जादूगर भी चला गया। हे यार भैया इसने तो सबको आते ही मार दिया। और ये ले जादू दिखा, ओए ये क्या जादू दिखाने पहले चला गया। ओए साइरन हेड भी मर गया भैया आते ही। और मुन्ना साइरन हेड भी कुछ नहीं कर पा रहा, अब क्या करें? रुक जाइए भैया, मैं दोबारा से टाइटन जॉम्बी को बुलाता हूँ। वो भैया शायद एक धोखा होगा। ओए धोखा तो नहीं होना चाहिए वैसे। हे भैया यार वैसे वो हीरो ब्राइन भी है यार, बहुत ही पावरफुल है। ओए तो दोबारा से स्पॉन कर, देखा जाएगा। हाँ भैया वही तो कर रहा हूँ यार। ओए साइरन हेड का भोंपू अभी तक बज रहा है, मर गया फिर भी। ओए ये क्या यार भैया, ये देखिए आ ही नहीं रहा, मर गया भैया आते ही फिर से। ओए ये क्या मुन्ना, इसके हाथ में क्या है? हे भैया रुक जाइए, ये क्या भैया साइरन हेड तो टिक ही नहीं पा रहे। ओए ये क्या हो रहा है मुन्ना, ये तो साथ ही में मर गए लेकिन इनका भोंपू अभी तक बज रहा है। ओए रुक जा, चल जादूगर जादू दिखा। हे भैया जादूगर नहीं है, वेंडिकेटर है। और तो ये क्या अपनी कुल्हाड़ी भी तो नहीं निकाल रहा है, अभी जादूगर दिखाएगा जादू। ए भैया जादूगर के साथ खुद ही जादू होता जा रहा है, तुरंत आते ही मर गया। और रुक जा साइरन हेड, और ये क्या इसको तो मुन्ना टिकने ही नहीं दे रहा। और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, टाइटन जॉम भी कैसे मर सकता है? ये भैया वो आपके सामने ही मरा यार, विश्वास तो करना पड़ेगा ना। और रुक जा मैं दोबारा से स्पॉन करूंगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हीरो ब्राइन ने तो एक सेकंड में मार दिया। और ये क्या फिर से मर गया। हे भैया वो देखे उसको स्पॉन ही नहीं होने दे रहा यार। और तो स्पॉन हो भी गया था तो क्या कर लिया था टाइटन जॉम्बी ने। हाँ भैया वो भी तो मैं भी कह रहा हूँ यार। हे यार भैया तो बहुत ही पावरफुल निकला, और मुन्ना पावरफुल है ये वो। और अब क्या करे, ये क्या मुन्ना चारों तरफ देख रहा है क्या तू? हाँ भैया यार देखो सभी लोग मरना शुरू हो गए। और ये देखो मुन्ना सभी हड्डी वगैरह सब पिघल गई। ओए हाँ भैया यार देखे चारों तरफ इसने तबाही मचा दी। देखिए भैया यहीं से सभी को मारे दे रहा है, चलिए भैया हम भी मारते हैं यार। और हम कैसे मारेंगे इसका? रो खजा भी ढाई किलो के हाथ से तोड़ता हूँ। ओए ये क्या है भैया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, हम लोग तो क्रिएटिव मोड में है ना। और मुझे क्या पता, तुझे पता होगा ना। हे भैया मुझे कैसे पता होगा यार, हम लोग तो क्रिएटिव मोड में है, फिर भी मार दिया, नहीं छोड़ूंगा। ये क्या यार भैया क्रिएटिव मोड में भी मार दे रहा है यार। ओ ये क्या हो रहा है मुन्ना, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हे भैया समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा यार। Few inches later. और रुक जा मुन्ना, इस बार मेरे पास बहुत भयानक एक्शन है, अब गॉडजिला इसकी बैंड बजाएंगे। ओ ये क्या तो आते ही मर गया। हे भैया यार जब टाइटन जॉम भी नहीं कर पाया, ये क्या भैया हम लोग को भी क्रिएटिव पीछे भेज रहा है यार। ओ मुन्ना हम लोग को पीछे फेंक दिया इसने। हाँ भैया इसकी पावर है, ये देखे भैया 20 फुट रहे हैं। और मुन्ना क्या बात है, ये क्या क्रीपर भी है चला गया। ओए हाँ भैया टाइटन क्रीपर भी तो नहीं टिक पा रहा यार, अब क्या करे। ओए तो रुक जा मेरे पास बहुत सारे एक्स है, स्पॉन करिए भैया। ये देखे भैया ये भी चला गया। और मुन्ना ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। हाँ भैया यार ये तो हीरो ब्राइन कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकला। ओ ये देख रहा है क्या मुन्ना? हाँ भैया यार देखिए हम लोग क्रिएटिव में भी है, देखिए भैया हम लोग कितना पीछे भेज दिया। ये देखिए भैया चारों तरफ से जितने भी जॉम्बी हैं सभी मरे जा रहे हैं यार। और मुन्ना बात तो सही कही। ओए मोहतरा तू भी आ जा, ये क्या मोहतरा तो मोती बन गया। ये क्या भैया ये भी नहीं टिक पाया यार, अब क्या करे। और मुन्ना करना क्या है, अब आ जा गिदोरा, तू ही आ जा। ओए चल मुन्ना किंग गिदोरा की स्पॉन करते हैं। हे भैया गिदोरा का पिदोरा बन गया। और ये क्या मुन्ना तो सभी को मारे जा रहा है बारी बारी कर कर। हाँ भैया यार इसके पास बहुत भयानक पावर्स है। और मुन्ना मुझे समझ भी नहीं आ रहा। और चल आजा गॉडजिला कमाल दिखा दे। क्या यार भैया गॉडजिला का तो भुंजिया फ्राई बन गया। और ये क्या हो रहा है मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा, मैं तो सोच रहा था इसको तो साइरन हेड ही अपना हरा देगा। हे भैया यार अभी मैंने बोला ना वो लीजेंड है। और मुन्ना अब मैं जान गया इसे माइनक्राफ्ट का लीजेंड क्यों बोलते हैं। ओ आजा गिदोरा, ये क्या है भैया गिदोरा एक मिनट भी नहीं टिक पा रहा यार। वो तो एक मिनट की बात कर रहा है, एक सेकंड भी नहीं टिक पा रहा। ओए हाँ भैया वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। ये देखे भैया ये भी चली गई। ओए क्या बात है, ओ ये क्या ये गॉडजिला भी अपना नहीं टिक पा रहा। इधर स्पॉन करके देखता हूँ। हे भैया जहाँ जाएंगे वो वहीं से मार देगा यार, भैया इसकी इतनी ज़्यादा पावर है। ओए तमन्ना अब अपने मेन का वक्त आ चुका है, आज अब बर्निंग किसे सबक सिखा दे। ओए ये क्या यार भैया बर्निंग तो एक सेकंड में ही चला गया। और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा मुन्ना, ये कैसा हो रहा है? ये देखे भैया बर्निंग गॉडजिला, और भैया ये क्या चला भी गया यार। और मुन्ना पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? और ये क्या गॉडजिला भी गया, और बर्निंग तो कुछ कर ले। हे भैया बर्निंग गॉडजिला की भी बच गई बैन, ये लीजिए भैया चाहे पर जहाँ स्पॉन कर दीजिए वहीं पर मार के आ जाएगा भैया। और मुन्ना देख इससे कितना दूर स्पॉन कर रहा है फिर भी मार देता है।
ओ ये बादलिंग गॉडजिला कर क्या रहा है मुन्ना? हे भैया ये क्या यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, वो मुन्ने तो सभी को एक एक सेकंड में मार रहा है। हे भैया यार ये तो राउंड वन बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर गया। रुक जा भी कैसे करेगा, ओ ये क्या फिर से मार दिया। ओ मुन्ना ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है हीरो ब्रायन। हे भैया दिमाग क्या खराब कर रहा है, ये देख के भैया फिर से आते ही मार दिया। ओ ये क्या गॉडजिला का तो इज्जत ही नहीं रह गई मुन्ना। हाँ भैया इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगा यार, ये तो सभी एक एक सेकंड में हीरो ब्रायन से मार खा रहे हैं यार। ओ ये ले फिर से मार दिया, अब क्या करे। हे यार भैया यार अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो भैया हीरो ब्रायन राउंड टू में ही जाएगा। ओए मैं इसको अपने 2.5 किलो के हाथ से तोड़गा देखो क्या। हे यार भैया अभी इतने बड़े बड़े गॉडजिला नहीं तोड़ पाए तो अपने 2.5 किलो के हाथ से क्या तोड़ेंगे। हे यार भैया आप बिना मजाक करते रहते हैं। और बंदा मजाक नहीं कर रहा, मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, आज तक किसी ने बर्निंग गॉडजिला को एक सेकंड में नहीं मारा है। ओए हाँ भैया ये बात तो है यार, लगता है भैया इसकी फाइट वेदर स्टॉर्म और भैया प्राइम स्केलेटन से भी करवानी पड़ेगी। ओए मुन्ना ये बात तूने सही कही है। ओए रुक जा अपनी तलवार से तोड़ दूंगा। ओए क्या इतना पीछे भेज दिया। हे यार भैया ये तलवार से कैसे मरेगा, आप भी ना भैया मजाक करते रहते हैं हर समय। और मुन्ना देख रहा था मार के टेलीपोर्ट हो जा रहा है ये। हे भैया यार वो तो हम लोग को क्रिएटिव में भी मार दे रहा है यार, इतना ज्यादा पावरफुल है। और मुन्ना मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, हम लोग क्रिएटिव में मारे जा रहे हैं। ये देख मैं क्रिएटिव में कैसे उड़ रहा हूँ और फिर भी हम लोग को अभी एक सेकंड में मार देगा। हाँ भैया वो तो है यार। और कहाँ चला गया, रुक जब मरेगा कैसे नहीं। ओ ये क्या उड़ा रहा है। हे भैया ये देखिए यार ऑक्सीजन का ब्लॉक उड़ा रहा है। और रुक जा अभी बताता हूँ। और ये ले हीरो ब्रायन, नहीं छोड़ूंगा तोड़ दूंगा। हे भैया यार क्या बेवकूफी कर रहे हैं, और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये ले तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। ओ ये क्या है भैया, मैंने बोला था ना यार ये क्रिएटिव में भी सबको मार देगा यार। मैंने कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकला, क्रिएटिव में भी मार दे रहा है। ओए हाँ भैया वही तो मैं बोल रहा हूँ यार। ओए मुन्ना इसे तो सबक सिखाएगा अपना डीमन वेदर। ओए हाँ भैया मुझे भी यही लगता है यार। देखते हैं इस फाइट में कौन जीतता है। हे यार नहीं छोड़ूंगा, ये ले। और रुक जा मुन्ना मैं लड़ता हूँ, कहाँ चला गया हीरो ब्रायन। और ये ले 2.5 किलो कहाँ, और भाग कहना, ये ले। ये क्या यार भैया हम ही को मार दिया इसने। और फिर से मार दिया। तो गाइस हीरो ब्रायन ने तो पहला राउंड बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर दिया। हीरो ब्रायन ने तो बर्निंग गॉडजिला को भी एक सेकंड में मार दिया यार। आपको क्या लगता है गाइस, क्या हीरो ब्रायन प्राइम स्केलेटन डीमन वेदर और वेदर स्टॉर्म को हरा पाएगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में गाइस जरूर बताना यार। जाते जाते आप लोग वीडियो पे एक लाइक जरूर मार देना और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार अगली फाइट देखने के लिए। और गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हो तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके हमें फॉलो कर सकते हैं।